कौन सा जगह है? धमन से दोस्तों कॉल आया क्योंकि धमन में सांप दोस्तों बहुत सारा सांप निकलता है, क्योंकि हर दिन हमको कॉल आता है धमन से, क्योंकि धमन में सबसे ज्यादा सांप निकलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हम रेस्क्यू करने धमन में ही आते हैं। और यहाँ पे दोस्तों कुआं में सांप गिरा हुआ दोस्तों, क्योंकि यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे दोस्तों, जीव जंतु को मारते नहीं है। हमको कॉल करके बुलाते दोस्तों, मैं अलमर यूट्यूब पे डाला रहा था दोस्तों, बिहार के कोई भी कोना में स्नेक रेस्क्यू करने के दोस्तों बुला सकते हैं। चलिए दोस्तों कुआं में गिरा हुआ दोस्तों देख रहे दोस्तों कुआं में किस तरह ये सांप गिरा हुआ है। बच्चा लोग तुम लोग हट जाओ, हट जाओ रे बच्चे लोग, साइड हो जाओ। मर गए की हो लगाई छ बेहोश है, बेहोश मोर ले उस पर रे, भाग ले तू, अरे ओए ओए हां आगे दे है, ओए ओए इधर इधर बेहोश है पानी पी ले। और जा हो बोला रहा तू, हटा हटा निकाल दोस्तों। देख सकते हैं ये सांप पानी के अंदर गिरा हुआ था, इसका बॉडी देख सकते दोस्तों पूरा पानी से इसका फूल चुका है दोस्तों, देख सकते हैं। और इसी को नाक बोलते हैं दोस्तों, इसी को पेटार बोलते हैं। इसके अंदर जो रहा है दोस्तों न्यूरोटॉक्सिन जो रहता है दोस्तों, ये सांप काटने के बाद आदमी के पास आधा से 45 मिनट जाते जाते इंसान को मृत्यु हो जाता है दोस्तों, देख सकते हैं। क्योंकि अपने भारत में सबसे ज्यादा मौत होता है तो यही सांप बाइट करने से मौत होता है, क्योंकि अपने इंडिया में सबसे ज्यादा शहर बॉडी में सबसे ज्यादा स्पीड में फैलता है, और सबसे पहले गांव देहात के आदमी को लोग को सांप काटता है तो वो घर पे रह के उसका समय बर्बाद कर देता है, और समय से उसका एंटी वेनम नहीं डोज मिल पाता है, इसी कारण उसका मृत्यु हो जाता है। देख रहे दोस्तों हम लोग दूर दूर तक रेस्क्यू करने जाते हैं, लेकिन हम लोग इतना चिल्ला चिल्ला के आप लोग को कॉल बताते हैं, लेकिन आप लोग बात पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ये सांप काटने के बाद आदमी के पास आधा से 45 मिनट ही समय रहता है दोस्तों, देख सकते हैं। और इसी को नाक बोलते हैं और इसी को पिटार बोलते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। और खतरा महसूस होने पे ही किसी को ही बाइट करता है, ऐसे किसी को बाइट नहीं करता है दोस्तों, देख सकते हैं। और दिखने में इतना खूबसूरत है दोस्तों, उतना ही खतरनाक भी होता है दोस्तों। इसी को नाक बोलते हैं, इसी को पिटार बोलते हैं, कहीं कहीं पे उसको नजा नजा भी बोलता है, और इसके इंग्लिश में इसको कोबरा बोलता है। अरे ये सांप अगर हाथी कभी काट लेगा तो ये हाथी कभी मारने का पावर रखता है दोस्तों, देख सकते हैं। इसी को नाक बोलते हैं दोस्तों और इसी को पेटार बोलते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। खतरा महसूस होने पे किसी को ही बाइट करता है, देख रहे हैं दोस्तों ये कुआं की तरह भाग रहा है। चलिए इसको बाहर निकालते हैं। अब अपना झोरा ले लो, महिला भाई आप लोग वहाँ से डिब्बा ले जाते हैं, देख रहे हैं दोस्तों डिब्बा डिब्बा ये खूबसूरत है दोस्तों, उतना खतरनाक भी है। और इसी को नाक बोलते हैं, इसी को पेटर बोलते हैं। खतरा महसूस होने पे किसी को बाइट बाइट करता है, इसे जल्दी किसी को बाइट नहीं करता दोस्तों, देखते हैं। और जहरीला सांप जिस को भी काटेगा उसका पहचान क्या होता है, तो वहाँ पे दो निशान हो जाएगा दांत का, और आपको जी से जी उलियाएगा, जी मचलाएगा, उल्टी सामान आएगा, चक्कर आएगा, और आपको धुंधला दिखाई देने लगेगा, आपको धीरे धीरे आपको आंख के पास जो है अंधेरा दिखाई देने लगेगा, तो आप समझिए कि दोस्तों आपको जहरीला सांप ही काटा है। और जहाँ पे सांप बाइट करेगा वहाँ पे दो दांत का निशान रहेगा, आप लोग समझिए कि आपको जहरीला सांप। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे दोस्तों, क्योंकि हमको कॉल करके बुलाया है, देख रहे हैं कहीं भी सांप निकलेगा तो आप हमको डायरेक्ट कॉल करके ये बुलाइएगा, पार्ले जी वैशाली चाहे वैशाली के स्नेक रेस्क्यू दोस्तों, मेरा नंबर यूट्यूब पे डाला हुआ रहता है, बिहार के कोई भी कोना में स्नेक रेस्क्यू करने के लिए दोस्तों बुला सकते हैं, क्योंकि हम लोग 24 घंटा सेवा देते हैं दोस्तों, आप उनको कखनियों कॉल करके बुला सकते हैं। देख रहे हैं और देखने में इतना खूबसूरत है दोस्तों, इतना खतरनाक भी है। और इसी को नाक बोलते हैं दोस्तों, इसी को पेटार बोलते हैं, देख सकते हैं दोस्तों कितना तेजी से बाइट करता है, देख रहे हैं किस तरह ये बार बार अटैक कर रहा है, देख रहे हैं, देख रहे हैं। और देखने में इतना खूबसूरत होता है दोस्तों ना, ये खतरनाक भी होता है दोस्तों, देखते हैं। और ये अभी कितना गुस्सेले में है, कितना गुस्सा में, देख सकते हैं बार बार अटैक कर रहा है जूता पे, देख रहे हैं। और इसी के किसी का हाथ पैर टच होता है तभी ये बाइट करता है, देख सकते हैं। और देख रहे हैं किस तरह ये बार बार अटैक कर रहा है, देख रहे हैं किस तरह अटैक कर रहा है, देख रहे हैं। फिर डिब्बा लाइए उसमें से निकाल के,
चलिए दोस्तों इसको हम पैक करेंगे, ढक्कन खोलो। पेटारी में रखता है, खेल दिखाने वाला नहीं हम लोग, जब पेटारी में रखेंगे हम लोग रेस्क्यू करने वाला नहीं है। चले दोस्तों इसको पैक करते हैं, फिर इसको सुरक्षा पर ले आकर फिर इसको रिलीज करेंगे दोस्तों। और देख रहे हैं दोस्तों ऐसा वीडियो देख के ऐसा गलती नहीं करेगा, क्योंकि काम स्पॉट का है। और ये सांप देख सकते दोस्तों कुआं में कैदी से गिरा हुआ, इसका बॉडी पूरा पानी से कैसा इसका फूल गया है। सब 20 निकाल लिया जूता पर ही लागल देखिए। चलो दोस्तों इसको पैक कर दिए हैं, फिर इसको सुरक्षा पर ले जाकर फिर इसको रिलीज करेंगे दोस्तों। और देख रहे हैं दोस्तों ऐसा वीडियो देख के ऐसा गलती नहीं करिएगा दोस्तों, क्योंकि काम स्पॉट का खतरा इसी समय होता है।